डे स्टूडेंट्स इन दिस मोड्यूल वे आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फैमनिस्ट अप्रोच टूअर्ड्स द सोशलाइजेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू फैमनिज्म सोशलाइजे परपैचुएट्स जेंडर रोल्स एंड इट री इन्फोर्स दैचारो फैमनिस्ट के मुताबिक ये है कि इनहरेंट या पोटेंशल इनक्वालिटी जो है वो एक्रॉस जेंडर एग्जस्ट करती है मर्द और, और औरत को चोके बराबर कंसीडर नहीं किया जाता इस वजह से सोशलाइजेशन का प्रोसेस भी जो है वो इसी अमल को आ, री इनफोर्स करता है माशरे के अंदर इसी अमल को प्रपैचुएट करता रहता है तो उससे होता ये है कि पैट्रियार्की जो है उसका तसलसल कायम रहता है और ख़वान को रिलेटिवली सबॉर्डीनेट पोजीशन पे कंसीडर किया जाता है ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के मुताबिक जो Uh, औरत है वो सबॉर्डिनेट पोजीशन पे कंसीडर होती है मर्द जो है वो रिलेटिवली सुपरऑर्डिनेट पोजिशन पर कंसीडर होता है इसी वजह से इसको पैट्रियारकल स्ट्रक्चर कहा जाता है जबकि मॉडर्निस्ट जो हैं वो इससे डिसग्री करते हैं उनके ख्याल में इनक्वालिटी जो है दैट वुड अल्टीमेटली लीड टू इनजस्टिस हाउ एवर ट्रेडिशनलिस्ट आर डिसंग टू दिस फैक्ट और उनका ये ख्याल है कि जो इनक्वालिटी है इट मे नॉट लीड टू इजस्टिस तो इट टीचेज़ द इंडिविजुअल्स टू इंटरनालाइज एंड एक्सेप्ट द जेंडर्ड नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशच आर ऑफन ओप्रेसिव फॉर द वमेन एंड अदर मार्शनलाइज ग्रुप्स सो उनके ख़्याल में ये जितनी भी सोशलाइजेशन की प्रोसेस हैं ये सारे के सारे इनका अल्टीमेट फोकस जो है वो इस चीज़ के ऊपर होता है कि कैसे औरत को एक, इस, इस तरह से सोशलाइज़ करना है कि वो हमेशा मर्द की सबॉर्डीनेट बन के रहे सो फेमिनिस्ट अप्रोच ऑल्सो हाई लाइट द रोल ऑफ सोशलाइजेशन इन क्रिएटिंग जेंडर्ड आइडेंटिटीज़ एंड शेपिंग द वेज इंडिविजुअल्स सी दैमसेल्स एंड अदर्स एक मर्द को मर्द के तौर पर कैसे होना चाहिए एक औरत को औरत के तौर पर कैसे होना चाहिए ये सारी जो आ, हमारी पर्सनैलिटी या शख्सियत के अंदर मौजूद क्वालिटीज़ हैं जो हमारी शख्सियत का हिस्सा होती हैं ये सारी की सारी हमें सोशलाइजेशन प्रोसेस के नतीजे में मिलती हैं इन दिस अप्रोच सोशलाइजेशन इज व्यूड एज अ साइट ऑफ स्ट्रगल वेयर इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स कैन रेजिस्ट एंड चैलेंज द जेंडर नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन सो आर ऑफ द व्यू दैट सोशलाइजेशन इज अ अंटीन स्ट्रगल दैट हाउ वन जेंडर इज कंसिडर सुपीरियर एज कंपेयर टू द अदर जेंडर However, on a, uh, when we talk about its uh, limitation or uh, having to look at it from a critical point of view, we need to understand that it tends to focus exclusively on gender and may overlook other forms of social inequality and oppression. gender focus ये बाकी एस्पेक्ट्स को अंडरमाइन कर देता है क्योंकि बाकी प्रोसेस ऑफ़ इनक्वालिटी भी एग्जिस्ट करते हैं जैसे क्लास स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जैसे एथनिक डाइवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं या जैसे रेशियल स्पेॉरिटी है और इसी तरह से एक्नॉमिकपेरिटी है तो इसका चूँकि सेंट्रल फोकस जो है वो जेंडर बेस्ड होता है ये सिर्फ और सिर्फ दो जेंडर के रिलेशनशिप को मर्द और, और औरत के दरमियान के ताल्लुक़ के तौर पे देखते हैं इस वजह से ये बाकी एस्पेक्ट्स को रिलेटिवली इग्नोर कर देता है दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि या दूसरी लिमिटेशन इसकी ये कह सकते हैं कि ये इनक्वालिटी को जस्टिस का इनजस्टिस का सिनोनिम कंसीडर करता है इसके ख्याल में इक्वालिटी ही जो है वो जस्टिस की तरफ लीड करेगी और अगर इनक्वालिटी होगी तो माशरे में पोटेंशली इनजस्टिस होगा बहुत से फिलोसोफर्स और थिंकर्स जो हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करते हैं उनके ख्याल में इनक्वालिटी मे नॉट पोटेंशियली लीड टू इनजस्टिस सो ऑन अ नेचुरल फेमिनिस्ट व्यू द सोशलाइजेशन प्रोसेस एज अ स्ट्रगल बिटवीन मेल एंड फीमेल फॉर द सुपीरियोरिटी